आज हम ऐसी मूवी के बिहाइंड सीन को देखेंगे जो इंडिया में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन बन चुका है। ये मूवी से सभी लोग काफी ज्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही रीजन है मेहनत। तो इसीलिए आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस मूवी के सारे बिहाइंड सीन को और उसी के साथ जानेंगे कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट भी, जिसे आपको देखकर काफी ज्यादा मजा आएगा। तो प्लीज वीडियो के एंड तक बने रहना। शुरू करेंगे हम सबसे पहले बिहाइंड सीन से, और वो भी सबसे पहला बिहाइंड सीन रहेगा चीटिंग सीन। ये वही एक सीन है जिसकी वजह से इस मूवी को बनाया गया है। मोटिवेशन तो हर एक मूवी दे देती है, लेकिन ये क्लिप और ये सीन आपको काफी ज्यादा मोटिवेट किया होगा। यही सीन से मनोज का तैयारी शुरू होता है और जाके कुछ अलग ही बन जाता है। इस सीन को आप देख सकते हो जो कि एक गांव में शूट किया गया है, जहां पर मनोज 12वीं का एग्जाम पास करने के लिए चीट बनाता है। ये सीन को थिएटर में देखने के बाद तो भाई मैंने यही बोला था कि चीट तो मैंने भी बनाया, लेकिन इतने खुले में नहीं। लेकिन इस सीन को कैसे ऊपर से शूट किया गया है एक बड़े से कैमरे के हेल्प से आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, जहां पर आप देख सकते हो कि अपर एंगल से एक कमाल का शॉट लेने के लिए इन्होंने इतना बड़ा कैमरे को अपने कमर से बांधा हुआ है, जिसके बाद इसका आपने फाइनल रिजल्ट मूवी में देखा ही होगा कि कितना अच्छा लग रहा था। इसी के बाद आपने देखा होगा मेकिंग ऑफ चीटिंग सीन। इस सीन में मनोज और मनोज के सारे दोस्त चीटिंग कर रहे होते हैं क्लास में। ये सीन डायरेक्टर को शूट करने के लिए काफी अधिक पापड़ बेलने पड़े थे, क्योंकि इस सीन में जितने भी स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं वो सारे के सारे रियल स्टूडेंट हैं, यानी कि उनमें से कोई भी एक्टर नहीं होता है और उनमें से कोई भी एक्टिंग का ऑडिशन देके यहाँ पर नहीं आया होता है। वो सारे के सारे एक क्लास के स्टूडेंट होते हैं और इस सीन को शूट करने में हेल्प करते हैं। इस सीन को शूट करने में डायरेक्टर को काफी ज्यादा इसीलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि सभी लोग बार बार कैमरे की ओर देख रहे थे। अब कोई एक्टर अगर ऑडिशन देके आया होता तो उसको पता ही है भाई कैमरे की ओर नहीं देखना है, जिसके वजह से एक ही सीन को बार बार शूट करना पड़ता था डायरेक्टर भाई को। जहाँ पर आप देख सकते हो कि वो सभी को समझाते थे कि भाई कैमरे की ओर मत देखो, कैमरे में नहीं देखो। लेकिन जब ये सबसे बात नहीं बना तो उन्होंने कसम दे दिया था कि भाई अब कैमरे की ओर कोई भी नहीं देखेगा, जिसका क्लिप आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। बोलो कसम खाओ पहले सब लोग, ऐसा हाथ रख के कैसे कसम खाते हो तुम? बोलो मैं कसम खाता हूँ कि मैं कैमरे में नहीं देखूंगा। अब हम चलते हैं हमारी अगली सीन पे, जहाँ पर हम देखेंगे कि भाई मनोज और उनका भाई कैसे ये ड्राइविंग करना सीखते हैं। ये जो गाड़ी आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, इसे गांव में सब लोग जुगाड़ गाड़ी बोलते हैं, क्योंकि इसे कोई भी कंपनी ने नहीं बनाया, इसे खुद गांव के लोग जुगाड़ करके बनाते हैं। घर के खर्चे निकलने के लिए मनोज और उसका भाई इस जुगाड़ को सीखते हैं और उसके बाद चलाते हैं। वैसे इस जुगाड़ को चलाने के लिए और इसी को अच्छी तरीके से परफेक्ट करने के लिए मनोज के भाई ने इसे पर्सनली सीखा था, और सीखने के बाद आप इसका बिहाइंड सीन देख ही सकते हो, जहाँ पर एमपी में रिहा गांव में इस सीन को शूट किया जा रहा है, जिसका आप छोटा सा क्लिप देख सकते हो कि भाई ये कितना ज्यादा आवाज करता है। अब हम चलते हैं हमारे अगले लोकेशन पे, यानी कि अगले सीन पे, जहाँ पर आप देख सकते हो कि इस लोकेशन पे इस सीन को शूट किया गया था। इस लोकेशन को शूट करने के लिए इनको दिल्ली जाना पड़ा था, जहाँ पर दिल्ली में इन्होंने दिल्ली हट पे शूट किया था। इस सीन को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आपको इसमें कुछ ना कुछ तो अलग दिखता होगा, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है आपने उस समय इस सीन को ध्यान से नहीं देखा होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस सीन को शूट करने के लिए रियल मनोज और रियल श्रद्धा को बुलाया गया था। इन दोनों को बैकग्राउंड में रखना था और वो भी आउट ऑफ फोकस से हटा के थोड़ा रखना था, जिसका आइडिया डायरेक्टर का था और उन्होंने ये सोचा था कि भाई ये करना है। इसका पूरा का पूरा एग्जांपल आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि कैसे दोनों पीछे बैठे हुए हैं और आराम से बैठ के चाय पी रहे हैं। इस सीन में श्रद्धा ने एक गाना भी गाया था, जो कि खुद श्रद्धा ने ही गाया था, क्योंकि उनकी आवाज वहाँ पर इतनी अच्छी थी, जिसके बाद डायरेक्टर ने खुद बोला था कि ये गाने को आप ही गाओगे। अब हम चलते हैं हमारी अगले बिहाइंड सीन की तरफ। इस सीन को मूवी में देखने के बाद कसम से बोल रहा हूँ रोंगटे खड़े हो गए थे। विकास सर का मूवी में नाम सुनने के बाद मैं तो एकदम चौंक गया था कि भाई इनका भी कोई रोल करने वाला है या फिर ये खुद ही आ जाएंगे, लेकिन इतना भी मुझे नहीं भरोसा था कि भाई ये खुद का रोल खुद ही निभाने आ जाएंगे। इस वाले सीन को आपने देखा होगा, जहाँ पर विकास सर आते हैं और पूरे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। इस वाले सीन का बिहाइंड द सीन आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि इसे कैसे शूट किया जा रहा है। जहाँ पर उन्हें क्लास में आने वाले बिहाइंड द सीन को आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि उसे कैसे बड़े से कैमरे के हेल्प से शूट किया जा रहा है, और उसी कैमरे के हेल्प से मोटिवेशन वाला सीन हो गया, क्लास वाला सीन हो गया, पूरा का पूरा सीन को उसी कैमरे से शूट किया गया था। इस सीन को शूट करने के बाद विनोद, जो इस फिल्म के डायरेक्टर है, इन्होंने काफी इमोशनल होकर एक चीज बोला था। And none of you look at the camera. So hats off to you. यहाँ पर उन्होंने बोला था कि 50 साल के करियर में मैंने आपके ऐसा एक्टर नहीं देखा जिन्होंने कभी एक्टिंग नहीं की, लेकिन यहाँ पर जब वो एक्टिंग करने के लिए आए तो वो कैमरे में एक बार भी नहीं देखे। इन्होंने बोला आपने इतने कम समय में इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन किया और इतना अच्छा शूट किया, काफी अच्छा लगा इनको। ये मूवी के बाद मुझे ये भी पता चल गया कि भाई विकास सर एक काफी अच्छे एक्टर भी है। अब हम चलते हैं हमारी अगले बिहाइंड द सीन की तरफ। ऐसा बिहाइंड द सीन जहाँ पर सभी लोग जाना पसंद करते हैं। हर एक यूपीएससी का स्टूडेंट ये सोचता है कि मैं यहाँ पर एक ना एक बार तो जाऊँ। मनोज का जब मेंस क्लियर हो जाता है और उनको
इंटरव्यू के लिए जब बुलाया जाता है ये उस समय का सीन है जहाँ पर श्रद्धा उन्हें खुद छोड़ने आती है। यहाँ पर एंट्री वाले जितने भी सीन है इसे रियल लोकेशन पे ही शूट किया गया है, दिल्ली में धौलपुर हाउस जहाँ पर यूपीएससी के सारे इंटरव्यू होते हैं यहीं पर सारे के सारे सीन को शूट किया गया था। जहाँ पर आप एंट्री वाले सीन को देख सकते हो और कॉरिडोर वाले सीन को भी देख सकते हो। इस सीन को शूट करने के लिए इनको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ी थी जिसके बाद इन्होंने इस सीन को अच्छी तरीके से शूट किया था। लेकिन फिर भी इतने बड़े डायरेक्टर होने के बावजूद और इतना पावर इनके पास होने के बावजूद इन्होंने सिर्फ परमिशन बाहर का ही ले पाया था। जहाँ पर एक्चुअल में इंटरव्यू लिया जाता है वहाँ पर इनको परमिशन नहीं मिला था। तो भाई आप यही फैक्ट जान के समझ सकते हो कि यूपीएससी एक कितना बड़ा ब्रांड है। अब हम बिहाइंड द सीन को थोड़ा पीछे ढकेल के अब हम बात करेंगे इस मूवी के हाइप के बारे में। यह मूवी 2023-27 अक्टूबर को आई थी लेकिन इस चीज की खबर सभी को काफी ज्यादा लेट आई थी। 12th फेल का हाइप स्टार्टिंग से इतना नहीं था, कोई भी 12th फेल को जानता ही नहीं था कि ये किसकी मूवी है और कैसी है। लेकिन मूवी रिलीज होने के एक हफ्ते बाद ये मूवी का हाइप काफी ज्यादा बन गया था। जवान और पठान का भी हाइप इसके सामने कुछ भी नहीं था। थिएटर में तो इसने अपनी तबाही मचाई थी लेकिन उसके बाद ओटीटी पे इसने सबसे बड़ा तबाही मचा दिया था। ओटीटी पे इतना ज्यादा इसको पसंद करने के बाद इस मूवी को 9.2 की रेटिंग दी गई थी। 9.2 की रेटिंग और वो भी 10 में से, भाई कितनी ज्यादा है। इस मूवी की रियल हाइप स्टूडेंट्स में काफी ज्यादा बनी हुई थी। इस मूवी से हर एक स्टूडेंट्स अपने लिए कहीं ना कहीं से मोटिवेशन ढूंढ लिए थे जिसकी वजह से इस मूवी ने 66 करोड़ की कमाई की थी। ओवरऑल अगर इस मूवी के बारे में बात करेंगे तो इस मूवी को बनने के लिए हर एक मेंबर ने अपना काफी अच्छा योगदान दिया है। सबसे बड़ा योगदान मनोज ने दिया है यानी कि विक्रांत, जिन्होंने अपना एक गांव वाला लुक लेने के लिए काफी मेहनत की है। इन्होंने यहाँ पर गांव वाले लुक में दिखने के लिए कोई भी मेकअप का यूज नहीं किया था बल्कि इन्होंने मूवी स्टार्ट होने के 15 दिन पहले ही इन्होंने ये सोचा था कि इनको कैसे परफॉर्म करने का है हर एक जगह पे। ये हर जगह वैसे ही शूट करते थे जैसे एक गांव वाले परफॉर्म करते हैं। गांव के धूप के वजह से इनकी स्किन रियल में काफी ज्यादा काली हो गई थी जिसे आपने कई सारे सीन में देखा होगा जहाँ पर मनोज का स्किन काफी ज्यादा काला हो गया था। इसे भी विक्रांत ने कहीं पर भी मेकअप करने को नहीं सोचा था। उन्होंने बोला था कि जो स्किन दिख रहा है मुझे वही स्किन उनको दिखाना है। इन्हीं के साथ डायरेक्टर ने हर एक जगह डिटेलिंग का काफी अच्छा ध्यान दिया है। कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि भाई ये सीन काफी ज्यादा फेक लग रहा है। टाइम पीरियड का काफी अच्छे से इन्होंने ध्यान दिया है, हर एक सीन को उसी तरीके से बनाया। डायरेक्टर विनोद के पहले इस मूवी को राजकुमार सर करने वाले थे जिन्होंने 3 इडियट, पीके और डंकी मूवी बनाई है। लेकिन विनोद चोपड़ा जो इस मूवी के डायरेक्टर है वो इससे पहले इस मूवी की स्टोरी को लिख रहे थे और लिखते लिखते वो इतना खो गए कि उन्होंने बोला कि अब इस मूवी को मैं ही बनाऊंगा। ज्यादातर विनोद चोपड़ा, राजकुमार सर और अभिजा जोशी ये तीनों मिलकर इस मूवी को बनाते हैं। लेकिन राजकुमार सर और अभिजा जोशी ये दोनों ने मिलकर डंकी पे काम करना शुरू कर दिया था जिसके बाद विधु विनोद चोपड़ा ने डिसाइड किया कि भाई इस मूवी को अब मैं ही डायरेक्ट करूंगा। तो आपने इन सारे स्टार कास्ट के बिहाइंड द सीन को देखा और इनकी मेहनत को आपने साफ साफ देख लिया है। तो आपको ये वीडियो यहाँ तक कैसा लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मुझे पूरा भरोसा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। और अगर आपको 12th फेल को रेटिंग करना होगा 5 में से तो आप उसको कितना रेट करोगे ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वैसे जैसा प्यार आपने इस वाले चैनल को दिया है वैसे ही प्यार आप स्क्रीन गॉसिप को भी दीजिए जहाँ पर क्रिकेट के सारे अपडेट टाइम टू टाइम लेके आता हूँ। अफगानिस्तान के साथ हम सीरीज जीतने के बाद अब हम जा रहे हैं इंग्लैंड से भिड़ने के लिए। अब अगर आपको इंग्लैंड वर्सेस इंडिया के सारे अपडेट जानने हैं तो जाइए इस वाले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जहाँ पर मैं क्रिकेट के सारे चुगली शॉर्ट में लेके आता हूँ। तो जाइए उस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, 4K काफी करीब है। बाकी आपके राइट या लेफ्ट में एक ना एक वीडियो तो आता ही होगा तो प्लीज उसे भी जाके वॉच कीजिए और वहाँ पर भी अपना प्यार दिखाइए। तो चलिए मुझे आपको यहाँ पर अलविदा बोलना पड़ेगा क्योंकि अब मैं आपको मिलूंगा एक अगली वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। तब तक सभी को बाय बाय, टेक केयर।